विगत 5 माह से चालक परिचालक अपनी समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं देने से फिर सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री के नाम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। समस्या हल नहीं होने पर चुनाव का बहिष्कार करते हुए चुनाव में बसों पर भी नहीं जाने की चेतावनी दी है। देश प्रदेश में कोरोना महामारी के कहर से कोई अछूता नहीं रहा। ऐसे में बस ऑपरेटर चालक परिचालकों के आर्थिक हालात खस्ता हो चले, जो भूखमरी की कगार तक जा लगे हैं। आपको बता दें कि चालक परिचालक संघ अपनी मांगों को लेकर पहले भी शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मिल चुके हैं। ऐसे में उनकी समस्या के निराकरण की बात भी कही गई, लिहाजा समय निकलते देख खरगोन जिले का चालक परिचालक संघ सड़कों पर उतरा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमने हमारी 5 महीने की कोरोना महामारी बीमारी के कारण विगत 5 महीने से हमारे चालक परिचालक हेल्पर भाइयों 5 महीने से पूरी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। 3 महीने तो हमने जैसे तैसे हमारे घर में बैठ के काटे, मगर 2 महीने बावजूद अब हमें इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। हम हमारे बच्चों को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना बिस्कुट खिला पा रहे हैं। इस स्थिति में आ गई, हम मजदूरी कर रहे हैं मगर मजदूरी में भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम पूर्व में भी आपके सामने 10 बार शासन को टाइम पे टाइम ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं। हम 20 तारीख को भोपाल में हम 40 से 45 जिले के लोग पदाधिकारी लोग गए थे, 1500 लोग वहाँ। हम माननीय शिवराज सिंह ने हमें पहले बोला 11 व्यक्ति बुलाएंगे, 11 व्यक्ति हमको लेके 2 बसों में बिठा ले गए, फिर पांच लोगों को बिठाया। 5 के बाद उन्होंने 3 लोगों से मिलने का हमें 5 मिनट का समय दिया। उस समय में उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को 8 रोज में कोई भी चालक परिचालक को सहायता राशि प्रदान करेंगे, मगर हमें अभी तक कोई भी आज 8 रोज होने पे आए कोई गतिविधि और कोई समस्याओं का हल नहीं निकला है। आपके धरना आंदोलन में विधायक महोदय भी पहुंचे थे, उन्होंने भी आपकी समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया था, उनके द्वारा आप क्या कहा जा रहा है? माननीय श्री विधायक जी हमारे धरना आंदोलन में आए थे, हमारे को 5 मिनट 10 मिनट का उन्होंने भी समय दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक रखूंगा और आपकी जो भी योजना या जो भी आपको लाभ चाहिए मैं दिलाऊंगा, मगर उनके भी कहने अनुसार हमें अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया। अच्छा, अगर समस्या हल नहीं होती है, हमारी कोई समस्या अभी तक नहीं हुई, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये आखिरी ज्ञापन है। अब हम यहाँ कोई शासन प्रशासन पर कोई ज्ञापन नहीं देने आएंगे। आगे हमारी स्थिति अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो आने वाले उपचुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। हमारे परिवार सहित हम कोई भी वोट नहीं डालेंगे, और चाहे चुनाव में अगर कोई बसों का बसें शासन द्वारा मांगी गई तो हम चालक परिचालक गाड़ियों पे बसों लेकर नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश सेन, चालक परिचालक सामाजिक कल्याण सत्ता, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।